और आवाम क्या हाल चाल, मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं अहमद मोटिवेट्स। यहाँ पर मैं वीकली मोटिवेशन व्लॉग्स अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान बन सकें। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है हर्ट वर्ड्स कैन किल समवन। तकलीफ दे लफ्ज़ किसी की जान ले सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, ठीक है। वो लड़के का बाप मतलब खुश नहीं होता था जल्दी, ठीक है। मतलब कह लेंगे अपने बेटे पर फ़ख्र नहीं था उसके, या खुश नहीं होता था जल्दी। बेसिकली कह लेंगे उसको मतलब किसी की अचीवमेंट नज़र नहीं आती थी उसके बाप को। तो वो लड़का जो है, वो लड़का बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था अपने बाप को खुश करने के लिए, बहुत ज़्यादा। उसने हाई स्कूल ख़त्म कर लिया, यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी के पहले साल में सब एग्ज़ाम्स में उसके A+ नंबर आए, ठीक है। उसने अपने बाप को कॉल की, कहा कि अब्बू मेरे A+ नंबर आए, क्या आप मुझ पे फ़ख्र करते हो, या आप मुझसे मतलब कि खुश हो मुझसे बेसिकली। बाप ने आगे से क्या कहा, बाप ने आगे से कहा देखो मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। बस बाप ने कॉल कट कर दी, ना ना अप्रिशिएट किया ना कुछ किया। फिर हुआ क्या, लड़के ने जैसी कॉल कट की, लड़का बस ये लफ्ज़ों ने उसको इतनी तकलीफ़ दी कि वो लड़के ने ड्रग्स करने शुरू कर दिए, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, ठीक है, गलत लोगों में बैठना शुरू कर दिया, गलत चीज़ें करने शुरू कर दिया। टू द पॉइंट इन चीज़ों में इतना मुलव्वस हो गया कि पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया। और फिर वो ICU में था ड्रग ओवरडोज की वजह से, और डॉक्टर्स ने देखा उसको, कहा ये ज़िंदा नहीं रहेगा ज़्यादा देर। थोड़ी देर बाद सांसें चलती चलती बंद हो गई, दैट्स इट, एंड ही जस्ट डाइड देयर। ये कहानी बताने का आपको क्या मकसद था मेरा, ये मकसद था कि जब भी आपके मुंह से कोई लफ्ज़ निकलते हैं ना, किसी के लिए भी, हत्ता किसी स्ट्रेंजर के लिए, किसी अजनबी के लिए, कोशिश करें कि जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो लफ्ज़ अच्छे हों, वो लफ्ज़ ऐसे ना हो जो किसी की जान ले लें। क्योंकि हमें नहीं पता होता हम कितनी बार क्या बातें कर जाते हैं जो अगले इंसान को मार सकती हैं। और ये कहानी मेरा बताने का ये मकसद है कि बुरे लफ्ज़ों से जितना हो सके दूर रहें, कोशिश करें किसी के लिए बुरे लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, किसी को डिस्करेज ना करें, इनक्रेज करें हमेशा। ये कहानी से उम्मीद आपको सबक मिला होगा जैसे मुझे मिला सबक। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टोरी दैट आई हर्ड अ वाइल अगो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अभी सबके साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।